हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दुनिया कोरोना वायरस की जद में है, ऐसे में हिंदुस्तान लॉकडाउन है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के नाम संदेश दिया और कहा कि अब कोरोना वायरस से लड़ना है तो आपको 3 मई तक लॉकडाउन रहना पड़ेगा। देश के हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से महामारी की इस दौर में दुनिया में तबाही मचा रखी है। इससे निपटना है तो आपको अपने घरों में रहना होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर के हालात बद से बदतर हैं। यहाँ मौतों का आंकड़ा 35 तक पहुंच चुका है। विदिशा के बाद सागर में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तो अब टीकमगढ़ में भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आलम यह कि तारीख 20 अप्रैल तक मध्य प्रदेश पूरा लॉकडाउन रहेगा। उसके आने वाले दिन की नई रणनीति के हिसाब किताब से मध्य प्रदेश चलेगा। 3 मई तक के इस लॉकडाउन में कुछ जिलों को चिन्हित कर आवाजाही में छूट दी जा सकती है। यह वो जिले होंगे जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज नहीं है। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हाथ दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी दूरदर्शी नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर सारे देश का मार्गदर्शन किया है। सारा देश और मध्य प्रदेश भी उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, दिशा दिखाई है कोरोना को परास्त करने के लिए, उसी रास्ते पर चलेगा। उनके आह्वान का हम अक्षर सा पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोककर उसको समाप्त करने का यही उपाय है। कल विस्तार से गाइडलाइन घोषित की जाएगी। उन गाइडलाइन के आधार पर मध्य प्रदेश भी अपनी रणनीति बनाएगा और 3 मई तक मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना से युद्ध जीतेंगे। लेकिन एक दूसरे जिले से आपका संपर्क काट दिया जाएगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन पूरी तरह लॉकडाउन रहेंगे। वहीं सागर शहर के 3 क्षेत्र सनीचरी, सुकुवारी और कृष्णगंज बाढ़ में प्रतिबंधित क्षेत्र रहेंगे। शहर के बाहर लॉकडाउन का वही अंदाज होगा जैसा चला आ रहा है। अब चलित किराना, दूध, दवाई, कृषि संबंधित संसाधन, मंडी, सब्जी के साथ खेती के कार्य में छूट रही। बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसा था। लॉकडाउन के बढ़ने की अवधि के पीछे मंशा सिर्फ यही है कि हमारी देश की जनता बची रहे, नहीं तो दुनिया के अन्य देशों से जो खबर आ रही है उसे सुनकर या देखकर हमारी रूह कप जाती है। अगर आपको स्वस्थ और निरोगी रहना है और कोरोना वायरस से बचना है तो आपको अब 3 मई तक घरों में रहना होगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।